देखिए भाई, मिथुन चक्रवर्ती ये पंगा अगर लेते हैं तो अच्छे तरीके से लेते हैं, वरना पंगा लेते ही नहीं है। डिस्को डांसर कहे जाते हैं, गन मास्टर जी नाइन कहे जाते हैं, पता नहीं कितने नामों से इनका नाम प्रसिद्ध है, अमर है और बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। लेकिन जब से इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, कुछ फैंस तो नाराज़ हैं लेकिन कुछ खुश भी हैं। खुश इसलिए है कि मिथुन चक्रवर्ती पॉलिटिक्स में आने के बाद भी अपने रंगबाजी अंदाज को पीछे नहीं रखते हैं, वो हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। आप सबको याद होगा जब मिथुन चक्रवर्ती ने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा था और बंगाल के ब्रिगेड परेड मैदान में उन्होंने भाषण दिया था, तब वह एक सनसनीखेज खबर बन गई थी, जिसके बाद कई लोगों ने उन पर आपत्ति और कई लोगों ने नेगेटिविटी भी फैलाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी बीते कुछ दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती ने तो यह कह दिया था कि टीएमसी के 21 विधायक मेरे अंडर में हैं और मैं जब चाहूँ तब उनको अपने अंडर में रख सकता हूँ। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए बने क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती इस समय पहुंचे हैं बंगाल, दुर्गा पूजा आने वाला है और बीजेपी की तरफ से मिथुन चक्रवर्ती दुर्गा पूजा के इस शुरुआत में उद्घाटन करने पहुंच चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती के वहां पहुंचने से कई सारी मीडिया और कई सारे लोग वहां पर उनसे सवाल करने लगे कि आप दुर्गा पूजा में शामिल हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इस पर आपका राय प्रतिक्रिया क्या है। तब मिथुन चक्रवर्ती ने यह जवाब दिया था कि आप पॉलिटिक्स छोड़कर आप दुर्गा पूजा से रिलेटिव सवाल आप पूछ सकते हैं। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और वहां पर फिर से वही बात दोहराई जो कि एक बार पहले बोल चुके थे कि टीएमसी के 21 विधायक मेरे अंडर में हैं। लेकिन साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार यह कह दिया कि बीजेपी कभी भी सड़े हुए आलू अपने पास नहीं रखती है, यानी कि टीएमसी के जो 21 विधायक हैं वो सड़े हुए आलू हैं और उसे अपनी तरफ नहीं रखेंगे। कुछ इस तरीके की मिथुन चक्रवर्ती ने अब की बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, जिसके बाद फिर से एक बार मिथुन चक्रवर्ती की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी से फैली हुई हैं। फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती बंगाल पहुँचे हैं और अपने दुर्गा पूजा में उद्घाटन में शामिल होने का भव्य जश्न बहुत जल्द मनाएंगे, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस हमारे सामने आएंगी और हम जल्द ही आपके सामने लेकर पेश हो जाएंगे। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने पंगे पे पंगा लिया है शुरू से लेकर अब तक और आगे भी लेते रहेंगे,